पूरे देश में एक बार फिर से किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। विशेष तौर पर भिवंडी शहर का हम आपको दृश्य दर्शा रहे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सोएब गुड्डू के नेतृत्व में किसानों के हित के लिए सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध करते हुए दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री अनीस अहमद, उनके साथ में तारिक फारूकी, साथ में हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर सेवकों ने विशेष तौर पर मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी किए और विरोध जताते हुए आप देख सकते हैं कि वहां पर घोषणा करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए पूर्व मंत्री अनीस अहमद और भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष किसानों के समर्थन में क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, एक डीपीएस पुलिस अधिकारी ने जिस तरीके से उनके गिरफ्तार पे हाथ डाला है, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई गांधी परिवार के ऊपर हाथ डाले इस तरीके से। क्योंकि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने कभी भी किसी भी अधिकारी के ऊपर एक उंगली भी इस तरह से कभी नहीं रखी है, हमेशा शासन प्रशासन का सम्मान किया है। लेकिन योगी के दबाव में या योगी के चापलूसी में, चाटुकारिता में जिस अधिकारी ने वो काम किया था, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और आपको पता होगा इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बावजूद पूरे देश में शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है। कहीं से भी कोई खबर नहीं आई कि किसी ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, किसी ने पुलिस के अधिकारी के साथ बदतमीजी, किसी ने यह नहीं किया कि कहीं पथराव किया, कहीं गाड़ियां तोड़ी गई। लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन किया, विरोध दर्ज कराया। मनमोहन सिंह की सरकार ने जो हमारा सोना अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो गिरवी रखा गया था, वो सोना लाने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया था। मनमोहन सिंह के जमाने में हमने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अखिलियतों के लिए अलग अलग कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के माध्यम से हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद में पहली बार 64,000 करोड़ लाख रुपए का जो ब्याज लगा हुआ था, जो कर्जा था, किसानों का माफ़ करने का काम किया। लेकिन ये सरकार, मोदी की सरकार, ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने किसानों को रोज़गार देने की बात कही थी, बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात कही थी। आज हिंदुस्तान रिज़र्व बैंक के अंदर में जो पैसा रिजर्व रखा था, वो पैसा भी इन्होंने गिरवी लगा दिया। जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे, आज हिंदुस्तान की ट्रेन बेचने का काम कर रहे हैं, हवाई जहाज़ बेचने का काम कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बेचने का काम कर रहे हैं, पीएसयू बेचने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सोना बेचने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान को गिरवी रखने का काम, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, हिंदुस्तान को खरीदने का काम किया था, आज अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग हिंदुस्तान को खरीदने का काम कर रहे हैं। और जिसकी वजह से इस कोरोना वायरस के अंदर में हर घंटे में ये अडानी अंबानी ने 90-90 करोड़ रुपए हर घंटे कमाने का काम किया है। तो ये जो सरकार है, ये कॉरपोरेट की सरकार। देखिए, राहुल गांधी जी के आदेश से, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के बाला साहब थोरात साहब के आदेश से आज पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। जो कुछ दिनों पहले राज्यसभा के अंदर वही मनमानी दादागिरी से जो किसानों के विरोध में एक बिल पास की गई राज्यसभा के अंदर, बहुत ही दुख की घटना थी, बहुत अफसोस की बात है कि जो सरकार 2014 के अंदर बीजेपी सरकार ने कहा था किसानों की कमाई हम दुगनी कर देंगे, आज वो किसानों के विरोध में जो बिल पास किया है, आज हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि भाजपा सरकार वो बिल वापस ले, जो किसान के विरोध में बिल पास हुआ है। और इतना बता चलो, जो ये बिल जो बाज़ार के अंदर जो बेचारे छोटे व्यापारी किसान लोग बाज़ार में जाके माल बेचते थे, आज वो माल वो बाज़ार में नहीं बेच सकते, बड़े व्यापारियों को अनाज बेचना पड़ेगा। और इसमें फ़ायदा सिर्फ बड़े व्यापारियों का खाली है इसके अंदर। और कितने लोग बाज़ार से, लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसके लिए पूरे किसान, आज पूरे देश के अंदर किसानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, खेती का बिजनेस सबसे ज़्यादा है, अनाज सबसे ज़्यादा उगता है आज देश के अंदर। तो ये किसान के विरोध में जो ये सरकार कर रही है, वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, और वो बिल जल्द से जल्द वापस लेवे। लेकिन इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन करती है। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।